तबे 2028 ये बीजेपी रो प्रस्तुति कहाजाई पारे। राज्य कार्यकारिणी बैठक में बेस गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गुड़िक आलोचना करा यार भितरे समस्तंक नजर अटकी जेपी नड्डा अभिभाषण उपरे कौन गुरुमंत्र देवे राष्ट्रीय अध्यक्ष ताकू आधार करी राज्य बीजेपी आग को बढ़े केवल 2024 नुहे 2028 रोड मैप प्रस्तुत करा और प्रधानमंत्री मोदी जी 7 साल बाद कोई दोबारा प्रधानमंत्री जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसको भी हमको याद रखना। और मैं ये भी कहूंगा कि जब जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार बने थे तो आजादी की लड़ाई के बाद एक कांग्रेस का एक ऑरा था, एक उत्साह था और उस उत्साह में वो जीते थे और विपक्ष दल भी लगभग नगण्य थे। ऐसी परिस्थिति में वो तीसरी बार जीते, लेकिन 60 साल बाद पूरी ताकत के साथ और पूरी शक्ति के साथ अगर जीत हासिल हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जीत हासिल हुई है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके ही नजदीक में आंध्र प्रदेश में हम वहां पर भी सरकार बना पाए, हम उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार तीसरी बार सरकार पेमा खांडू जी के नेतृत्व में बन गई और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनकर के आई। ये आप सब लोगों के ध्यान में रहना। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है और आप सबको फख्र होना चाहिए कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो सारे देश की पार्टी, पैन इंडिया पार्टी। हम उत्तर भारत में हैं, हम दक्षिण भारत में हैं, हम पश्चिम भारत में हैं, हम पूर्व भारत में हैं, हम पूर्वोत्तर में हैं, हम मध्य भारत में हैं, कहीं कमल है तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि 1500 छोटी और बड़ी राजनीतिक दल को देश में मिला ले तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें आंतरिक प्रजातंत्र है, भाई भतीजावाद नहीं है, अपना पराया नहीं है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को चलने लेकर चलने वाली पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। यह हमको याद रखना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम अकेले ऐसे हैं पार्टी हैं जो अगर हम अपने व्याप को देखें तो हम कह सकते हैं कि 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आज 18 राज्यों में है और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 राज्यों में है, अकेली भारतीय जनता पार्टी। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हम लगभग 58% के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 58% के, और 57% के भूभाग, 57% की जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है 57%। इसलिए और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं मंच के लोगों को भी कई बार बोलता हूं, आपको भी बताना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग में अजब सा उत्साह आ गया, बड़ी जीत हासिल हो गई। ये तो वही हुआ जैसे कोई हमेशा फेल होता हो, वो पास मार्क से पास कर जाए तो बड़ा खुश हो जाए, ऐसा कांग्रेस का हाल हो गया है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि सारी एनडीए जोड़ लो, सारी एनडीए और सारी इंडिया जोड़ लो, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, सारी इंडिया अलायंस, तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम है, कम पड़ते हैं, यह भी हमको याद रखना। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ये 2014 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले
2019 के लोकसभा के सदस्यों को जोड़ ले और ये 2024 के भी लोकसभा सदस्यों को जोड़ ले, तीनों को जोड़ लेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के एमएमपी से कम पड़ते हैं, ये इनका रिकॉर्ड है, ये भी हमको ध्यान रखना। इसलिए ये जो पार्टियां हैं इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीरो है, जीरो, 13 स्टेट्स, 13 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में जीरो, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में जीरो, अरुणाचल प्रदेश में जीरो, सिक्किम में जीरो, मिजोरम में जीरो, त्रिपुरा में जीरो, आंध्र प्रदेश में जीरो, मध्य प्रदेश में जीरो, जम्मू कश्मीर में जीरो, दिल्ली में जीरो, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और लद्दाख में भी जीरो के जीरो हैं ये कांग्रेस पार्टी। 13 राज्य और यूनियन टेरिटरी में साफ है, लेकिन फिर भी ऐसा उत्साह दिखाने की कोशिश हो रही है जैसे बड़ी भारी जीत हुई। इनको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि इंडिया अलायंस को पूरा जोड़ ले तब भी अकेले भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती है, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात और कांग्रेस के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये अमरलता की बेल की तरह है, ये पैरासाइट है, ये अपने ताकत पर नहीं खड़ी होती, ये दूसरों के ताकत पर खड़ी होती। आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों की कुल लोकसभा की सीट है 64। जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सीधे लड़ती है तो 64 में 62 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कांग्रेस के हाथ 2 सीट लगती है, 2 सीट। इनका स्ट्राइक रेट 25% से भी नीचे है और ये जीतते कहां हैं? जहां ये परजीवी की तरह दूसरी पार्टियों के बेल की तरह चढ़ करके अपने सीटों को जीतने का काम करते हैं। और जहां रीजनल पार्टी इनका साथ नहीं देती है वहां ये जीरो हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता ने इनको ठेंगा दिखा दिया तो पश्चिम बंगाल में इनका कांग्रेस पार्टी का ग्रुप का जो नेता था वह भी हार गया, यह परिस्थिति आकर के खड़ी।